हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सीमा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है न्यू डिश, तो एक बार फिर आपके साथ न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। तो आज की तैयारी है मोमोज तैयारी। तो आज हमने बनाए वेजिटेबल मोमोज। मोमोज क्या है, एक हल्का फुल्का चीज़ है, आराम से आप खा लीजिए उसको। खाने में भी अच्छा लगता है, सबको ही पसंद है मोमोज। तो हमारे फिर चलो आपको बताती हूँ। ये तो पहले हमने चटनी बनाई है। चटनी तो काफ़ी बार बना चुकी हूँ मैं, इसलिए चटनी का रेसिपी ज़्यादा नहीं डाला है। और एक चटनी और बनाई थी, ये है सोयाबीन। सोयाबीन बॉयल नहीं करूँगी मैं, इसको भिगो दूँगी और पानी में भिगो के इसको थोड़ा देर रख दूँगी, 10-15 मिनट के लिए। या तो इसको आप ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के डाल दीजिए, फिर वो ज़्यादा पाउडर हो जाता है, इसलिए मैंने ग्राइंड नहीं किया। इसके मोटे मोटे पीस में डालूँगी। और इसमें डालूँगी गाजर, गाजर भी डाल सकते हैं, इसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं, आप अपनी मनपसंद सब्जियां डालिए। जितनी सब्जियां डालेंगे उतने अच्छा टेस्टी बनेगा। तो इसको हम कर लेंगे कद्दूकस। ये आपके पास वैसा चॉपर है उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी बारीक हो जाता है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और इसी हिसाब से हम करेंगे पत्ता गोभी भी। इसको निकाल देते हैं दूसरे प्लेट में। पत्ता गोभी क्या है, इसको हमने धो के काफ़ी टाइम रख दिया था जिससे इसमें पानी नहीं रहे, क्योंकि इसको हम करेंगे रोस्ट तो पानी रहेगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है और चिपचिपाट हो जाती है। तो इसको हमको सूखा सूखा ही रखना है, इसलिए हमने काफ़ी टाइम धो के इसको देखा था, कीड़े वीड़े नहीं हो। कभी कभी पत्ता गोभी में आते हैं कीड़े, तो इसका पानी पूरा निचुड़ गया है। और उसके बाद इसको हम कर लेंगे कद्दूकस, जैसे हमने कैरेट को किया है ऐसे ही आप बीट को भी कर सकते हैं। बीट डालना है तो शिमला मिर्ची डालनी है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारा पत्ता गोभी, एक पत्ता गोभी है पूरा और एक गाजर है, थोड़ा सा सोयाबीन है, और सब्जियां डाली नहीं है हमने, सोयाबीन डाला इसलिए। और ये हम ले लेंगे एक कटोरी थोड़ा सा, आधे से भी आधा कम मैदा। और इसमें हम नमक डाल के इसको गूंद लेंगे। और इसका आटा कैसा है ना, थोड़ा लूज ही होता है, टाइट नहीं होता है, टाइट नहीं गूंदा जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे पानी डाल के गूंदेंगे। जितना पानी लगेगा, एक साथ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आटा जल्दी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका अंदाज नहीं रहेगा तो आटा गीला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जितना आटे को पानी लगेगा उस हिसाब से, क्योंकि इसको लूज ही गूंदना है। देखिए हमने कितना लूज गूंदा है। और इसमें अभी हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल इसलिए चिकनाहट लाने के लिए, और जिससे हम मोमोज बनाए तो इसका आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा, मतलब जब हाथ में लेंगे तो थोड़ा फिसले इस टाइप का और चिपके भी नहीं, इसलिए हम ऑयल डाल देंगे। और इसको ऑयल डालने के बाद हम रख देंगे थोड़ा 10-5 मिनट के लिए, इस तरह से इसमें मसाज दे के इसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसको जो हमारे अंगूठे हाथ के जो ये रहते हैं ना उससे गूंदना है, इस तरह से। और देखिए आटा हमारा हो गया है, तो अभी हम इसको रख देंगे ढक्कन लगा के, तब तक हम और करेंगे और आगे की तैयारी। इसमें ढक्कन डाल के रख देती हूँ क्योंकि इसको रेस्ट कराना ज़रूरी है। तो ये रेस्ट, जितना रेस्ट होगा उतना अच्छा सॉफ्ट बनेंगे आपके मोमोस।
और अभी हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इसमें हमने डाल दिया है तेल, तेल ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। और इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि ये सबको हमको रोस्ट करना है, इसका पानी सुखाना है। तो अभी सोयाबीन नहीं पहले डालेंगे, सोयाबीन बाद में उसको करेंगे। और जितना इसको सिम पे करके जितना इसका पानी सूख जाएगा उतना ये टेस्टी बनेगा। तो अभी देखो हमने सूखा लिया है, और अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि एक साथ नमक डाल देंगे तो पत्ता गोभी ना एकदम पानी छोड़ देगी, इसलिए नमक नहीं डालना है उसमें। इसको हम जितना सूखा सकते पानी उतना सूखा लेंगे, और उसके बाद हम नमक डालेंगे। तो ये देखिए बाद में हमने इसमें नमक डाल दिया था, वो देखो एकदम बन गया है सूख के इसका मसाला। तो अभी हम लगा लेंगे इसमें तेल, तेल चिपकेंगे नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा दें, नहीं तो मोमोस चिपक जाते हैं ना। और अभी हम बेलें कर लेते हैं मोमोस की तैयारी। तो इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलनी हैं, हल्की हल्की एकदम पतली पतली, जैसे हम रोटी लेते हैं गुजिया टाइप का बनाते हैं गुजिया का, उतना ही पतला बनाना है, करंजी पतली बनती है उसकी रोटी ऐसे ही। और ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से इसका काटना ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि हमको उसको राउंड में ही बेलना है। और आप इसमें कोई भी शेप दे दीजिए, मैंने तो इसका राउंड शेप भी दिया है, कोई भी शेप दीजिए इसमें, इस तरह से जैसे हम मोदक बनाते हैं, क्योंकि ऊपर का देखिए आटा जो था वो हमने निकाल दिया है, और इस तरह से इसको शेप दे दिया। इसी हिसाब से हम पूरा बना लेते हैं, एक और आपको बना के दिखाती हूँ। और अब अगर आपको गोल रोटी चाहिए तो इसी में थोड़ा सा बड़ा बना के कटोरी लगा, कटोरी से या ढक्कन से किसी से भी काट लीजिए तो वो राउंड में आ जाएगा। और ये आटा इतना मतलब लूज है कि इसके ये बनाने में बहुत जल्दी आसान हो रहा है, फटाफट बन रहे हैं। और मैंने कहा ये कड़क नहीं होंगे, नहीं हम टाइट आटे के बनाएंगे ना तो वो कड़क हो जाएंगे। तो मोमोस हमारे बन गए हैं, अभी हम इनको रख दिए थे भाप देने के लिए, तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में ये पक जाते हैं। तो अभी हम निकाल लेते हैं इनको, ये देखिए गैस को बंद कर देते हैं, एक बार में 8-10 बन जाते हैं, और चटनी भी बन गई है, आप सेजवान चटनी से भी खा सकते हैं, ऐसी चटनी से भी, हरी ग्रीन चटनी भी खा सकते हैं उससे। तो हमारे रेडी हो गए हैं मोमोस, और मिलेंगे आपको हम न्यू वीडियो में। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और अपना सपोर्ट देना। अभी चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, अगले चैनल एकदम डाउन जा रहा है अभी अभी। मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या रूल्स होते हैं सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।